हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज अभी हम हैं दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पर NH 48, जो कि धौलाकुआं से आता है। आज हम यहां से जाएंगे राजीव चौक की तरफ गुड़गांव में और देखेंगे कि क्यों कहा जाता है गुड़गांव को मिलेनियम सिटी ऑफ इंडिया। सामने रेडिशन होटल है जो कि उद्योग विहार में आता है और यहीं लेफ्ट में लीला होटल भी आएगा और एम्बियंस मॉल जो कि काफ़ी पॉपुलर मॉल है वो भी आएगा। जब भी आप पर्टिकुलरली इस जगह पे आएंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप रनवे पे ड्राइव कर रहे हैं, इतनी विड्थ है इस जगह की। एंड सामने है लीला होटल, ये लीला होटल का फेमस यूटर्न के लिए अंडरपास है। ये जो लीला होटल गुड़गांव का है, वन ऑफ द एक्सपेंसिव होटल्स है गुड़गांव का, लग्जरियस 5-स्टार होटल है ये, DLF Phase 3 में आता है। यहाँ का पर डे स्टे अराउंड 10,000 से स्टार्ट होता है। इसके साथ में ही एम्बियंस मॉल है यहाँ पर, जो कि दिल्ली NCR का एक तरीके का सबसे बड़ा मॉल है। एंड ये लेफ्ट में जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये DLF डाउनटाउन है, जो कि अभी रिसेंटली में ओपन हुआ है, ऑफिशियल स्पेस है। गुड़गांव इंडिया का 2nd नंबर का IT हब है और 3rd नंबर का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल हब है। तो यहाँ ऑफिसेज की भरमार है, ऑफिसेज की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर बहुत सारी दिख जाएंगे। कॉरपोरेट पार्क्स आपको मिल जाएंगे, बिजनेस पार्क्स मिल जाएंगे। राइट में जो आपको दिख रहा है ये साइबर पार्क है DLF का, अगेन ये भी रिसेंटली में कंस्ट्रक्ट हुआ है। और ये जो आपको ट्रैक दिख रहा है मेट्रो का, ये रैपिड मेट्रो का ट्रैक है जो कि सिकंदरपुर से आती है, Sector 56 की तरफ जाती है येलो लाइन को कनेक्ट करती हुई। और सामने जो आपको दिख रहा है ये रॉकेट टाइप स्ट्रक्चर, ये DLF का हेडक्वार्टर है, गेटवे टावर है गुड़गांव। ये सामने जो आपको दिख रहा है साइबर सिटी का मेट्रो स्टेशन है, रैपिड मेट्रो का पैरेलल चलता है ये ट्रैक NH 8 के, और उसके पीछे जो है वो साइबर सिटी है। साइबर सिटी वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट पार्क्स कह सकते हैं आप, और इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया, अगर आपको उसको देखना है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ के अंदर, आपको मिल जाएगा इसके ऊपर वीडियो। ये लेफ्ट में DLF Phase 2 में आता है। समय के साथ गुड़गांव वन ऑफ द बेस्ट सिटी बन के उभर के आया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो रोड्स हैं बहुत अच्छी कंडीशन है, कनेक्टिविटी यहाँ की सीमलेस हो चुकी है, ऑफिशियल जो पार्क्स हैं, ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनकी भरमार है। इसीलिए जो दिल्ली NCR में या दिल्ली की तरफ जितने भी लोग जॉब्स करने आते हैं ज़्यादातर उनके ऑफिस गुड़गांव में या नोएडा में ही होते हैं। सामने देखें तो राजीव चौक यहाँ से 8 किलोमीटर है, आगे जाएंगे तो मानेसर भी आता है 24 किलोमीटर में, उसके आगे जयपुर भी है। यहाँ से आगे आने पर हम इफ्को चौक की तरफ पहुँचने वाले हैं और राइट में आपको दिख रहे हैं वो है 1Cube बिल्डिंग, जो कि एक 5-स्टार रेटेड बिल्डिंग है, गुड़गांव Sector 18 में आती है। एंड यहाँ से आपको कट मिल जाएगा लेफ्ट के लिए जो दिल्ली की तरफ भी चला जाता है और इफ्को चौक की तरफ भी जाता है, MG रोड भी लेफ्ट की तरफ ही आएगी, हम सीधा जाएंगे। और अगर आप सामने देखें ये जो ऊपर से फ्लाईओवर आपको दिख रहा है यू टर्न के लिए बनाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो। लेफ्ट में जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ABW टावर है और उसके साथ में है वेस्टिन होटल, जो कि एक 5-स्टार होटल है, जो नीचे इस फ्लाईओवर के नीचे जो है वो इफ्को चौक है, बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है यहाँ पे, ओल्ड जो फरीदाबाद है वहाँ के लिए भी रास्ता चला जाता है। अभी तक हम लगभग 6 से 7 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और आपने देखा होगा पूरे रास्ते में कहीं पे भी आपको रेड लाइट नहीं मिली, कहीं पे भी कोई ट्रैफिक जैम नहीं मिला। और अगर आप देखें तो इसी वजह से जो ये जो NH 48 है इस पर ट्रैवल करना बहुत आसान हो गया है। अभी इसके पैरेलली द्वारका एक्सप्रेसवे भी बन रहा है तो उसके ओपन होने के बाद और ज़्यादा यहाँ पर आसानी हो जाएगी। ये लेफ्ट में अगर आप देखें तो ये यू टर्न बनाए गए हैं, जो फ्लाईओवर बनाए गए हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो और गाड़ियाँ यू टर्न ले सकें। ये जो जगह है ये Sector 29 है,
सामने जो आपको दिख रहा है वो है सिग्नेचर टावर सेक्टर 30 में गुड़गांव के साउथ सिटी 1 में, और इसके आगे आने पे हम पहुंच जाते हैं वर्ल्ड टेक पार्क। जो सामने आपको व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिख रही है वर्ल्ड टेक पार्क है। एंड राइट में जो आप देख रहे हैं सेक्टर 15 का माइलस्टोन 32 एवेन्यू है, बहुत ही ज़्यादा एक हैपनिंग प्लेस है यहाँ पर। साथ ही में यहाँ पर गूगल का ऑफिस भी है, आप देखें सामने की बिल्डिंग तो उस पर गूगल लिखा हुआ है। यहाँ से आगे आने पर हम पहुंच जाते हैं मुंबई एक्सप्रेसवे सोना, जो आप देख रहे हैं सामने ये राजीव चौक। जैसे हम पहुंचेंगे वहां से एक रोड निकलती है सोना एलिवेटेड कॉरिडोर जो है, जो 21 किलोमीटर का भी नया बनाया गया है, ऑपरेशनल है। हम आने वाली वीडियोस में कोशिश करेंगे कि आपको सोना रोड का भी वीडियो दिखाएं और दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उस पर भी जाएं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इसके सब्सक्राइबर हैं तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं राजीव चौक पर। यहां से अगर लेफ्ट में एक रास्ता जाता है, अगर हम वहां से लेफ्ट चले जाएंगे तो मैदानता हॉस्पिटल जो है वहां भी पहुंच जाएंगे। सामने आपको बोर्ड दिखने लगे होंगे, दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है जो सोना रोड से स्टार्ट हो रहा है यहां गुड़गांव में, उसके बोर्ड्स यहां पर लगे हुए हैं। यहाँ से जो ये रोड लेफ्ट की तरफ जा रही हो मेडी सिटी मैदानता की तरफ चली जाती है, सेक्टर 32 है यहाँ पर। एंड यहाँ से आगे जाने पर हम राजीव चौक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है गुड़गांव का। सो हमने 10 किलोमीटर का जो अपना सफर था एम्बियंस मॉल गुड़गांव से राजीव चौक का कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।